नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस एजीबीजी की वीडियो में, जहां मैं बैठा हूं मिस्टर रवि के साथ में। रवि, मैं आगे से रवि भाई या रवि भैया बोलूंगा क्योंकि मैं ऐसे ही बोलता आता हूं। और एजीबीजी की ये वीडियो काफ़ी लंबे अरसे बाद में आ रही है और ये स्पॉन्सर्ड है tyremarket.com के द्वारा। tyremarket.com एक ऑनलाइन वेबसाइट है जो कि आपको जैसे भी टायर चाहिए, जो आपकी इच्छा हो, जो आपकी कंपनी हो, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, जो भी है, वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और आप उनका लिंक जो है वो नीचे देख सकते हो। बाकी आप जो है रवि भाई और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो यहाँ रवि भाई का आईडी है, यहाँ मेरा आईडी है, तो वो आप एंड में आपको मिल जाएगा। फिलहाल हम बात करते हैं आज इस वीडियो में कि टायर्स जो है ना, उनके बारे में बेसिक नॉलेज। मतलब इस वीडियो में हम आपको प्रो नहीं बना रहे हैं। पहली वीडियो में ऐसा नहीं बोल रहे हैं भैया सब आप सीख लो वैसे रवि भाई प्रो है, बट वो पहली वीडियो में मैंने मना कर दिया। मैंने पहली वीडियो में प्रो नहीं बनाना है हमारे को तो सारे लोगों को नॉलेज देना है हमको। हाँ एग्जैक्टली, ऐसी चीज जो कि आपको एकदम से ऐसे रहे कि हाँ भैया ये चीजें जरूरी है, आप आगे भी कुछ सीखना चाहो तो बेसिक जो है वहां से क्लियर हो जाएगा। कुछ पॉइंट हमने यहाँ लिख लिए ताकि जो है हम मिस ना कर दें, हम खुद मिस ना कर दें कहीं तो वो चीज है। सबसे पहली चीज, टायर्स जो है, हर एक टायर का बनने का एक अलग अलग रीजन होता है, ठीक है, ये फैक्ट है। Yes. जब भी एक कंपनी एक टायर बनाएगी सर, तो वो अलग अलग रीजन से बनाएगी। और हर टायर का एक रीजन है, क्यों उस टायर को बनाया जा रहा है, उसका क्या कंपाउंड है, कौन से ट्रैक पे चलेगा, कौन से रोड पे चलेगा, पहले ही डिसाइड, क्या पर्पस है, ये पहले डिसाइड हुआ। तो कोई भी टायर खराब हो अच्छा हो वो आपके उस पर भी डिपेंड करता है। आपको मान लो चलाना है टायर 100,000 किलोमीटर, लेकिन आप लेके आए हो जो ट्रैक पे चलाने के टायर है जो की 10,000 किलोमीटर चलने वाला टायर है, तो आप कहोगे तो बहुत घटिया टायर है, लेकिन वो टायर उस रीजन से बनाई नहीं था। तो मान लो आज एक एबीसी कंपनी एक टायर बनाती है, तो सबसे पहले वो देखती है कि किसको बेचना है। अगर मान लो उन्होंने देख लिया कि भैया ये बेचना है हमें एक ऐसे यूजर को जो कि टैक्सी चलाता है, उसको लंबी ज्यादा लाइफ चाहिए, तो वो उस हिसाब से कंपाउंड ट्रेड उसके आगे की चीजें डिसाइड होगी। तो तीन मेन चीजें होती है सर, जैसा एक सॉफ्ट कंपाउंड टायर होता है, मीडियम हार्ड कंपाउंड होता है और एक हार्ड कंपाउंड होता है, ये डिसाइड होता है कंपाउंड के बेसिस। कंपाउंड के बेसिस। फिर एक चीज ये भी होता है कि ग्रिप ट्रेड कैसे रखना है। तो बेसिकली कंपनीज तीन तरीके से चलती होंगी कि सबसे पहले वो देखती होंगी कि भैया हम परफॉर्मेंस टायर बना रहे हैं। तो परफॉर्मेंस टायर्स के लिए उसका स्पीड इंडेक्स क्या होता होना चाहिए। सो वो टायर जो है 240 की स्पीड से चलता है, 270 की स्पीड से चलता है, फिर उस स्पीड पे जब ब्रेक मारते हैं तो उसकी ग्रिप मिलनी जरूरी होती है, तो उस हिसाब से उसका कंपाउंड यूज होता है। तो रिसेंटली आपने देखा होगा कि मोस्टली कंपनी सिलिका का यूज कर रही है ग्रिप बढ़ाने के लिए। तो बारिश में जो होता है वेट ट्रैक होता है, उसके अंदर वेट रोड के ऊपर अगर आपको अच्छी ग्रिप चाहिए तो जितना अच्छा सिलिका प्रोडक्ट रहेगा उतना अच्छा ग्रिप मिलेगा उसका। फिर कुछ कंपनी सोचती है कि उनको टायर बनाना है ऐसा जो कि लाइफ ज्यादा दे, परफॉर्मेंस कम दे, उस चीजों में वो लोग कार्बन का ज्यादा यूज करते हैं। सो कार्बन ये मोस्टली हार्ड होता है, और जैसा हमारा जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उन्होंने थोड़ा गाइडलाइन भी निकाला है, गोइंग फॉरवर्ड 2020 के बाद में वो शायद कार्बन कंपाउंड इंडिया में डिसकंटिन्यू हो जाएंगे। तो अभी जो है वो कार्बन कंपाउंड टायर आ रहे हैं, सारी मोस्टली इंडिया की जितनी भी कंपनियां है वो कार्बन यूज कर रही है। सिलिका तो ज्यादा अब शिफ्ट होने लगे, शिफ्ट होने लगे। फिर कई कंपनीज जो कि मोस्टली जनता चाहती है वो ये कि मिक्स हो, भैया हमें परफॉर्मेंस भी मिले बट एट द सेम टाइम हमें थोड़ी लाइफ भी मिले। एक मिनट, फोन आ गया। तो हम कहाँ थे फोन आने से पहले कि हाँ, कुछ लोग जो है दोनों चाहते हैं कि भैया थोड़ी परफॉर्मेंस भी मिल जाए, थोड़ी लाइफ भी मिल जाए। तो उनके लिए कंपनीज जो है रिसर्च ज्यादा करती है। तो अभी आज के तारीख में जो ऑफिस गोइंग क्राउड होता है उन्हें स्पोर्टी टायर पसंद नहीं होते हैं, उनको कंफर्ट वाले टायर ज्यादा पसंद होते हैं। तो उसके अंदर कंपनी ट्रेड डिजाइनिंग जो होती है वो ऐसी करती है जिससे नॉइस लेवल है वो टायर का कम रहना चाहिए, ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, लाइफ भी अच्छी मिलेंगी, और प्लस उनको जो कंफर्ट होता है, मोस्टली जो कंफर्ट परफॉर्मेंस जो होता है वो भी अच्छा मिलेगा। चलो इस पॉइंट पे मैं दूसरी चीज पे आता हूँ, कंपाउंड। कंपाउंड कह लो या मटेरियल जिनसे टायर बनता है। अभी एक टायर है, जैसे मान लो हमारे पास यहाँ एक टायर पड़ा है, तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। मेरे में दम नहीं इतना उठा रहे हैं। जैसे ये टायर है, अब इसको बनाने में क्या क्या लगा है रवि भाई, इसको बनाने में क्या क्या कंपाउंड लगे बताओ। सबसे पहले रबड़ लगा है। सो नेचुरल रबर का यूज हुआ है। फिर उसमें ऑयल भी होता है, ऑयल भी होता है उसके अंदर, सिलिका होता है, कार्बन होता है, फिर स्टील बेल्ट होते हैं, फिर उसके अंदर नहीं क्या साइड में प्लाइकॉट्स रहते हैं। सो मोस्टली कई लोगों ने देखा होगा जब टायर जल जाते हैं या किसी गाड़ी में आग लग जाती है तो उनमें स्टील बेल्ट रह जाते हैं, बाकी कुछ नहीं दिखता है आपको, होता है ना यूं, वो बेल्ट दिख जाते हैं। तो स्टील बेल्ट टायर के अंदर ही होते हैं। तो स्टील बेल्ट जो होते हैं वो मोस्टली ट्रेड पोर्शन में होता है, ये जो ट्रेड पोर्शन है ये वाला, इसमें स्टील बेल्ट होते हैं, और यहाँ जो ग्रिप वाला पोर्शन है ये जहाँ से टायर लगता है, साइड वाला जो पोर्शन होता है इसमें तो बहुत मोटे होते हैं एस्पेक्ट रेशियो। सो उसमें 2-ply cord का यूज होता है मोस्टली इंडिया में।
जिससे स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है। अब मेरा बच गया। सो उसमें टू प्लाई कॉर्ड का यूज होता है साइड वॉल में, तो टू प्लाई कॉर्ड जो है ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ देता है, तो कुशनिंग भी अच्छा होता है, क्योंकि टायर ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है गाड़ी का, पूरा गाड़ी का वेट, पैसेंजर का वेट, कॉर्नरिंग, ब्रेकिंग, हैंडलिंग, सब कुछ जो होता है ये टायर के थ्रू होता है। जितने अच्छे टायर उतना अच्छा आपका ड्राइव कंफर्ट मिलेगा आपको। तो रबर अपना सिलिका होगा या कार्बन होगा, ऑयल हो गया, फिर स्टील हो गया, फिर पॉलिस्टर हो गया, रेयन हो गया, और मिशलिन जो यूज करता है, क्या नाम, आर्मीड यूज करता है, वो सुपरबाइक टाइज में यूज करता है। कुछ कुछ कंपनीज कुछ कुछ प्रोडक्ट पेटेंट करा के रखती है, वो मिशलिन ने आर्मीड का पेटेंटेड प्रोडक्ट बनाया सुपरबाइक टायर्स के लिए। तो जितने भी सुपरबाइक टायर्स आते हैं उसमें आर्मीड यूज करते, बिल्कुल पॉलिस्टर यूज होता है, कहीं नायलॉन यूज होता है। ये मटेरियल की बात है। अब आता है ट्रेड डिजाइन। अभी ये वो चीज है ट्रेड डिजाइन जो कि आप विजुअली देख के मतलब सबसे पहले आप जज करते हो। अभी मैं आपको बोल दूं ना कि ये भैया ये टायर है, बता तू क्या कंपाउंड है, तो आप बता नहीं पाओगे क्या कंपाउंड है, कोई बंदा बता नहीं पाएगा। बट अगर किसी को बताया ना ट्रेड डिजाइन, तो एक बार की फिर भी वो देख लेता ये ट्रेड डिजाइन है। अब यहाँ पे अलग अलग तरीके की ट्रेड डिजाइन है। फॉर्चुनेटली हम एक टायर शॉप में बैठे हैं जो कि रवि भाई की है, तो जिस तरह की ट्रेड डिजाइन अभी आसपास पड़े टायर में वो सब मैं दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले ये सिडान के लिए, तो आप ये जो ट्रेड देख रहे हैं ये सिडान के लिए, ये सिडान के लिए बनाया। फिर जो होता है अभी आज के तारीख में एसयूवी आती है, सिडान आती है, फिर ऑफ रोड व्हीकल्स भी होती है, जैसा लोग महिंद्रा की थार वार को मड टेरेन में लेके जाते हैं, तो मड टेरेन अलग होता है, उसका टायर अलग होता है। मैं काम करता हूं, मैं दिखाता हूं। ये है अपना नॉर्मल रोड वगैरह के लिए सिडान के लिए टायर है, ठीक है। अब मैं एक और टायर उठाता हूँ, ये हमने उठाया, ये टायर, ये ट्रेड किस लिए बनाया रही है? ये है अपना इनोवा क्रेस्टा या फिर क्रेटा जो है उस MPV, MPV के लिए MUV व्हीकल, ये MUV व्हीकल वगैरह जो है उनके हिसाब से बना हुआ है। ये ट्रेड का फर्क है। अभी क्या है, इसकी साइंस समझने लगोगे तो आप प्रो हो जाओगे, राइट? तो पहले आपको हम थोड़ा थोड़ा समझाते हैं कि कहाँ पे क्या है, क्योंकि ज्यादा नॉलेज तब जानी बेटर होगी, तब एक्चुअली पहले का थोड़ा बेस क्लियर हो। तो आप पहले ये देखो, उसके बाद में धीरे 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 जब वीडियो बनाएंगे तो उसकी भी बात करेंगे। अभी ये मेरे को एक ऑल टेरेन टायर दिखा है यहाँ पे, तो मैं ये उठाता हूँ। सो ये है, ये एक ऑल टेरेन है, ये एक ऑल टेरेन टायर है, और ऑल टेरेन टायर जो है इसमें आप देख सकते हो मोटे मोटे ट्रेड पैटर्न है। अपने पास यहाँ पे एक मड टेरेन टायर नहीं है, वरना मैं दिखाता हूँ, वो और मोटे पैटर्न आते हैं उसमें, ब्लॉक पैटर्न होता है, ब्लॉक पैटर्न मड के लिए, मड में ग्रेवल्स में ग्रिप ज्यादा चाहिए होता है, हाँ, ग्रिप की वजह से। तो हर एक टायर जो है उसका अलग अलग पर्पस, जो 80 लिखा है, सो दिस इज ऑल टेरेन। सो अभी एक वहां पे देखो HP टायर भी पड़ा है अपने, उसमें हाई परफॉर्मेंस टायर का है, देखो उधर वो वहां पे है, वहां पे ये रहा HP टायर, ये हाई परफॉर्मेंस टायर, ये है अपने पास में HP। सो ये MUV में ही लगता है, हाई परफॉर्मेंस टायर। सो ये यूजुअली क्रेटा MUV व्हीकल जो आई है, नहीं उसके लिए बनाया गया है। अभी देखो ये हाई परफॉर्मेंस टायर जो है, इनमें कई चीजों का डिफरेंस ट्रेड में मिलेगा। अभी देखो ट्रेड की बात चली नहीं है ना रवि भैया, तो एक काम करते हैं, हम इनको ये भी बता देते हैं वीडियो में कि कैसे कैसे ट्रेड में किस चीज का क्या काम होता है। सबसे पहले ये जो चीज हम देख पा रहे हैं, ये इसका काम बताइए आप साइड में, ये क्या काम, ये जो दिख रहा है आपको, ये होता है नॉइस लेवल कम करने के लिए। तो अभी जैसे आप लेट्स एग्जांपल की ऐसा 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 बजाएंगे तो एक ही आवाज आएगा कंटिन्यूसली, तो मैं ऐसा करूंगा फिर ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा ऐसा, तो उसमें नॉइस कम होता है। बांसुरी को कैसे हम लोग जिसको बजाना था वो अच्छे से बजा सकता है, उसको ऐसा प्री डिजाइन किया है जिससे नॉइस लेवल कम हो जाए। तो अब आप देख रहे हो ये जो पैटर्न, जो सिमिलर पैटर्न जा रहा है ना, इसमें आवाज ज्यादा आएगी। right. तो अगर आप एक ऑल टेरेन टायर को हाईवे पे चलाएंगे तो कंपैरेटिवली ज्यादा आवाज आएगी इस टायर के, इस टायर में कम आएगी आवाज। right. फिर जो बीच के पैटर्न है रवि भाई, उसमें ये जो ये, आप देख पा रहे हैं कट्स, ये एक्वा प्लानिंग वगैरह रोकने के लिए, वाटर इवैक्यूएशन के लिए। सो इसमें से जैसा बारिश में आप वेट ट्रैक पे चलाते हो, तो उसमें से पानी जाने के लिए जो होता ना ये गैप का काम होता है, ये जो, उसके बाद में जो बीच का जो पोर्शन है वो आपको स्टेबिलिटी बढ़ाता है। तो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए भी कंपनी ने अलग अलग जैसा हवा है ये है उसको कट करने के लिए उस हिसाब से उसको डिजाइन किया हुआ है। तो अब ये देखो ये ट्रेड पैटर्न कई कंपनीज पेटेंट भी रखती है, राइट? कई कंपनीज जो है, उसकी सारी कंपनियां पेटेंटेड ही रहते हैं इनके प्रोडक्ट, तो हर एक का एक अलग डिजाइन होता है। कई कंपनी जो है अपने हिसाब से अलग अलग किसको क्या देना है उस पर भी होता है। आपकी नॉइज, आपकी टायर की ग्रिप, आपके टायर की कॉर्नरिंग ग्रिप, ये सब इन पे डिपेंड करता है। आपने देखा होगा कुछ सुपर बाइक के या कुछ सुपर कार के टायर्स होते हैं, स्पोर्ट्स कार के, जो कि ट्रैक पे चलने के लिए होते हैं, उनमें ट्रेड नहीं होता है, ट्रेड ही नहीं होता है, ऐसे एकदम चिकने होते हैं वो चारों तरफ से। जैसे फॉर्मूला 1 में देखो आप या मोटो जीपी में बाइक के टायर देखो तो वो स्लीक टायर होते हैं। हाँ, वो टायर इसलिए होते हैं क्योंकि ट्रैक पे बारिश नहीं है,
वहां पे अनएक्सपेक्टेड पानी नहीं आ रहा है, वहां पे उनको सिर्फ ग्रिप चाहिए, ग्रिप चाहिए। लेकिन अगर उन टायर को आप अपने सड़कों पे एकदम से तेज निकालोगे पानी के ऊपर से, तो एक्वा प्लानिंग का खतरा हो जाएगा, और एक्वा प्लानिंग जो है उससे एक्सीडेंट होने के भरपूर चांसेस है। तो इसलिए लीगल जो लिमिट डिसाइड की है आरटीओ ने वो 1.6 एमएम की होती है। सो 1.6 एमएम अगर बहुत ज्यादा टायर, दैट मींस वो टायर खत्म। और ये चीज इंडिया में लोग फॉलो नहीं करते, ये बहुत गलत बात है। आपका टायर की ट्रेड अगर 1.6 एमएम से कम हो गई है तो आप उसको इस्तेमाल ना करें, वो लीगल भी नहीं है। हालांकि आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है बेसिकली ये बात है। तो ये जो आप कैसे नापना है 1.5 एमएम ये हम प्रॉपरली किसी वीडियो में बना देंगे, लेकिन ये जो अंदर घुस रही है ना ऐसे नापा जाता है। आपको एक सिंपल बता देता हूँ यहाँ पे, कोई भी टायर में ना ट्रेड वेयर इंडिकेटर्स होते हैं। बिल्कुल हाँ, ये टायर्स में यहाँ पे छोटे छोटे ट्रेड वेयर इंडिकेटर्स होते हैं इस टायर तो में। ये जो ट्रेड इंडिकेटर है, तो ये ट्रेड वेयर इंडिकेटर तक पहुंच गया अगर टायर एक लेवल में आ जाता है, दैट मींस वो टायर वॉर्न आउट हो चुका है, अभी आप टायर चेंज कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलो अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है ट्रेड के बाद में वो आ गया। मेरे को कई सवाल पूछे जाते हैं, बोले कि टायर सॉफ्ट कंपाउंड है हार्ड कंपाउंड है, कैसे पता करें? ये टायर कंपनी पे डिपेंड करता है, ये आप लोग कैसा उसको टायर को दबा के नहीं जज कर सकते, क्योंकि रबर है उसके अंदर जब हवा भरती है तो एकदम ये न्यूमेटिक होते हैं टायर। तो कंपनी का रिसर्च करना होता है, कौन से कंपनी ने क्या टायर में क्या यूज किया है। अभी जिस टायर पे कैमरा पड़ा है मैं वो दिखाना चाहता हूँ आपको, वो टायर जो है आप दबाना चाहोगे तो दबेगा नहीं। लेकिन वो है सॉफ्ट कंपाउंड। हाँ, तो ये चीज है। अब ये आप अगर जैसे वीडियो में आपको मैं दिखा रहा हूँ अभी, यहाँ पे अगर आप दबाओगे तो ये दबेगा नहीं। रीजन ये है कि भैया उसका साइड वॉल जो है वो स्ट्रांग दिख गई है, तो साइड वॉल स्ट्रांग होना, साइड वॉल बड़ी होने पर जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती, आप इजीली दबा सकते हो, इसका भी बड़ा फर्क था। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, एक ही पैटर्न या एक ही कंपाउंड एक ही तरीके का टायर है, फॉर एग्जांपल एक कोई टायर मान लो उसी में साइज अलग अलग है, जैसे कि मान लो 185/60/15 और 195/55/16, अब ये है लेकिन इनकी प्राइस में डिफरेंस आ जाता है। राइट, तो जितना लो प्रोफाइल टायर होता है उतना ज्यादा उसको स्ट्रेन देना पड़ता है एस्पेक्ट रेशियो में। सो अगर वर्ना फ्लूडिक बोलो या फिर आपका ही गाड़ी पकड़ लेते हैं हम लोग I20, सो I20 में आपके गाड़ी में 195/55 R16 तो 155 जो है वो परसेंट है आपका 195 का। सो उसको स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो लो प्रोफाइल कंसिडर होता है, जो भी 60 के नीचे है वो लो प्रोफाइल है। तो 45 भी आते हैं मर्सिडीज में, बीएमडब्ल्यू में भी 40 भी आते हैं, कोई कोई इसमें पोर्श केन में वगैरह 30-35 भी आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आते तो उसका स्ट्रॉन्ग करना होता है, इसके लिए उसका कॉस्टिंग उतना रिसर्च ज्यादा कंपनी को करना होता है। हालांकि सिर्फ ये ही चीज नहीं है जो कॉस्ट बढ़ाती है, मतलब और भी दुनिया भर के कंपाउंड, जैसे कि हम बात कर रहे थे रिसर्च, हम बात कर रहे थे किसका कितना पेटेंटेड है टेक्नोलॉजी, किसके पास कितनी रेयर है टेक्नोलॉजी, वो एक बड़ा फैक्टर है कि भैया टायर की प्राइस कहाँ जा रही है। बट मोटा मोटी आइडिया ये है, तो आप इसी वजह से देखोगे जो ज्यादा प्रोफाइल वाले टायर होते हैं वो मतलब यूजुअली सस्ते होते हैं कंपेयर टू लो प्रोफाइल। डिपेंड्स अभी जैसा वो भी बोल नहीं सकते, लेकिन हाँ मतलब इन जनरल वन ऑफ द फीचर, हाँ वो चीज कह सकते हो। तो ये मोटी मोटी चीजें हैं कि भैया एक टायर बनता है, साइज कितना बड़ा है वो भी मैटर करता है, अगर 17 इंच का रहेगा तो ज्यादा, जितना ज्यादा सामान लगेगा उतना तो फर्क पड़ेगा ही। तो ये मोटा मोटी बातें हैं फिलहाल आपने इस वीडियो में। ओह बहुत हेवी है, जिम यहाँ पे ही हो जाता है। जिन लोग, जो भी लोग मुंबई में रहते हैं और वो जिम में जाके टायर जो है आगे पीछे करते हैं उसके लिए पैसा देते हैं। हाँ पैसा देते हैं, उनके लिए रवि भाई ने एक बहुत ही सर्विस चलाई है, आप इनकी शॉप पे आओ सुबह सुबह टायर इनके उधर रखवा दो, आपकी जिम फ्री। तो इस वीडियो में हमने देखा कि आप कैसे जो है एक टायर जो है जब बनाया जाता है तभी से उसके बारे में सारी चीजें डिसाइड की जाती है कि भैया एक टायर जो उसमें कौन सा कंपाउंड लगेगा, कैसी ट्रेड बनेगी, वो जो है किन किन मटेरियल्स के साथ में जाएगा, और कार मेकर का भी क्या एक्सपेक्टेशन है वो टायर से। जैसी स्विफ्ट है, स्विफ्ट है ये लो बजट कार है, या सियाज है वो थोड़ी हाई एंड व्हीकल्स में आती है, या कोई दूसरी गाड़ी ले लो आप फोर्ड, जैसा मोस्टली फोर्ड की गाड़ी है ये अच्छे क्वालिटी के टायर्स लगाते हैं। इवन हुंडई जो है ये एकदम रिसर्च करके अच्छे क्वालिटी के टायर लगाते हैं, टोयोटा भी अच्छे क्वालिटी का टायर। मुझे इस चीज से एक चीज याद आई जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगी, मेरे को याद आई वो ये कि एक क्वेश्चन मेरे को बहुत आता है कि ये तो चाइनीज टायर है Right. और ये महंगा क्यों है? Right. कभी कभार आता है अरे ये तो सस्ता है क्योंकि ये चाइनीज टायर है। तो ये चाइना वाला जो टॉपिक है ये हम अगली वीडियो में बड़ा टॉपिक है जिसके अंदर काफी रिसर्च, मतलब मैथमेटिक्स है उसके अंदर, काफी मैथमेटिक्स इसमें इंक्लूडेड है। तो अगली वीडियो जो एजीबीजी की वो चाइना टायर पे बनाते हैं, और चाइना टायर और इंडिया टायर और फॉरेन टायर, विदेश टायर, थाईलैंड टायर, जहाँ के भी बनते हैं हम सब बताते हैं आपको। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको टायर वायर खरीदने तो टायर मार्केट है ही,
रवि भाई का इंस्टाग्राम यहाँ है, मेरा यहाँ है, और आपको थोड़ा आलसी हो, लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद, और टायर बदलिए। थैंक यू। टायर टाइम पे बदलिए, टायर टाइम पे डालिए, क्योंकि टायर ये कोई आपके घर पे राह देख रहा है तो इतना ध्यान में रखिए कि आपकी सेफ्टी, लोगों की सेफ्टी, क्योंकि आप जब रोड पे चल रहे हैं दूसरे की भी सेफ्टी ध्यान में रखो। अगर आपका टायर फटता है दूसरे गाड़ी पे जाता है तो उसकी भी जान खतरे में हो सकती है। एक चीज और मुझे लगता है सबसे ज्यादा इग्नोर की जाने वाली कार का पार्ट है ना, वो टायर है। लेकिन वही एकमात्र चीज है जो आपकी सड़क से कांटेक्ट बना के रखे जाता है, और अगर आप इतना ही दिमाग नहीं लगा पाए तो मतलब ही नहीं है वीडियो देखने का। बाय।